10th का विषय विज्ञान का जो पाठ दो है वो है अम्ल क्षार और लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट। ये तीनों पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिसको देखकर आप घबराइए नहीं और ऐसे मन में कुछ नहीं लाइए कि ये कोई आसमान से उतरा हुआ कोई चीज़ है। ये अम्ल क्षार और लवण जनरली चीज़ है जो प्रैक्टिकल में हम लोग उसको जानते हैं, बस इसका नाम जानते हैं, काम जानते हैं, बट उसका नाम सही से नहीं जानते हैं। हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये अम्ल क्षार लवण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी जल में क्या डालेंगे, अम्ल को डालेंगे, क्या डालेंगे, अम्ल। जैसे मान लीजिए HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जल में डालेंगे, जल क्या होता है H2O, तो इसमें जो HCl है ना वो H+ आयन देगा, क्या देगा, H+ आयन। इसमें H+ आयन टूटने लगेगा, ठीक है ना, H+ आयन बनने लगेगा। जब H+ आयन बन रहा है तो हम समझ जाएंगे क्या कि ये क्या है, अम्ल है। ये जो पदार्थ है ये क्या है, अम्ल है। तो मतलब अम्ल है कि नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा यही परिभाषा बनता है क्या, कि वैसा पदार्थ जो अपने जलीय घोल में H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बात यह आती है कि भाई अम्ल जो होता है वो कौन कौन से गुण को धारण करता है और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि अम्ल के उदाहरण कुछ, अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये क्या है, अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब यह स्वाद इसका कैसा होगा, खट्टा होगा। और दूसरा नंबर बात, ये विषैले एवं तीव्र नाशक होते हैं, मतलब विषैला मतलब क्या, ये पॉइजनस होते हैं, पॉइजन होता है। और इसको आप क्या कीजिएगा, किसी जीव वगैरह पे डालिए, जैसे चींटी है, छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े हैं, उस पर वो तीव्र नाशक होता है, मतलब वो तीव्रता से जल्दी उसको नष्ट कर देगा, है ना। अम्ल कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना जाता है कहाँ, हमारे मुख से जाता है, ग्रास नली से होते जाता है अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन में जितने भी कीटाणु जीवाणु होते हैं सबको नष्ट कर देते हैं और वो हमारा भोजन जो है शुद्ध हो जाता है। समझ में आया ना, शुद्ध कहने का मतलब क्या है, कीटाणु रहित हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं क्या कि ये विषैले तीव्रनाशक होते हैं, समझ में आ गया हमको। अगला है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ चुका है ये, क्या यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र अगर कोई होगा, कोई भी नीला लिटमस पत्र होगा, अगर उस पर आप क्या करिएगा, अम्ल डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उसका कलर लाल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहिए ऐसा लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र एक ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। मतलब यूँ कहिए जैसे कि थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे हम किसी व्यक्ति या वस्तु का तापमान मापते हैं ना, उसी प्रकार से एक लिटमस पत्र होता है जो प्रयोगशाला में काम रखा जाता है। प्रयोगशाला में क्या करते हैं, जब हम अम्ल को रखते हैं तो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला नंबर गुण क्या है, डी नंबर गुण, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद कर लीजिएगा, कोई भी अम्ल हो अगर उस अम्ल का अभिक्रिया कराइएगा, किससे कराइएगा, तो धातु से कराइएगा। अम्ल का अभिक्रिया किससे कराइएगा, धातु से कराइएगा, तो वो क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अब लवण तथा, जैसे कोई आप मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं अम्ल, कोई अम्ल ले लिए, जैसे हम ले लेते हैं कौन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लेते हैं, ठीक है ना। HCl का अभिक्रिया कराते हैं किससे, HCl का अभिक्रिया कराएंगे किससे कराएंगे हम लोग, HCl का अभिक्रिया करा देते हैं किससे, जैसे सोडियम से कराते हैं, Na से कराते हैं, तो क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस H+H2। ओके, ये क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल। अम्ल का अभिक्रिया किससे कराए हैं, बोलिए हम लोग, अम्ल का अभिक्रिया कराए हैं धातु से, धातु सोडियम क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, तो सोडियम धातु से कराए हैं तो क्या बना है, NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी सोडियम क्लोराइड, क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, जानते हैं, ये लवण है, क्या है, लवण है, और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस। तो समझिए रहे, तो याद रहेगा ना, जब किसी अम्ल को हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, यह भी इसका गुण हो गया। अगला देखिए, जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ZN जिंक का अभिक्रिया करा रहा है H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या दे रहा है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। जब हम लोहा का अभिक्रिया कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनाता है,
फेरस क्लोराइड और प्लस में क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे हैं ना ये क्या है, ये सब क्या है, ये है धातु, क्या है धातु, धातु का अभिक्रिया किससे करा रहा है, ये क्या है अम्ल, धातु का अभिक्रिया किससे करा रहा है अम्ल से करा रहे हैं, और ये सब क्या बन रहा है लवण बन रहा है, क्या बन रहा है लवण, और क्या बन रहा है हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। तो आप समझिए ये बोलिए कि सही है कि नहीं है जो, हाँ हाइड्रोजन ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो याद रखिएगा जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, ई नंबर गुण क्या है, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से होती है तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या करा है, जब अम्ल की अभिक्रिया कराना है किसी का कराना है अम्ल का अभिक्रिया, यहाँ पे अम्ल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अम्ल अम्ल का अभिक्रिया किससे कराना है हमको, अम्ल का अभिक्रिया किससे कराना है धातु के कार्बोनेट से, किससे कराना है धातु के कार्बोनेट से या धातु के बाइकार्बोनेट से, किससे कराना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, तीन चीज बनेगा, एक लवण बनेगा, एक जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बने, एक एग्जांपल देखते हैं कि बाइकार्बोनेट से हम लोग कैसे कराएंगे अभिक्रिया। ओके अम्ल का अभिक्रिया किससे कराना है हमको, धातु के, हाँ धातु के बाइकार्बोनेट से या कार्बोनेट से। ओके अम्ल का अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ। ओके चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अब एग्जांपल लेने के लिए इसको छोटा कर देते हैं, हम क्या करते हैं छोटा ताकि आसानी से इसको हम बता पाए। ओके चलिए ये हो गया, अब हम लोग करते हैं क्या, जब अम्ल की अभिक्रिया यहाँ से, हाँ कार्बोनेट धातु कार्बोनेट से कहना, धातु के कार्बोनेट एक अम्ल लेते हैं जैसे H2SO4 कौन अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका अभिक्रिया कराते हैं धातु के कार्बोनेट यानी जिंक कार्बोनेट से, किसे कराते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक धातु है ना, धातु का कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट ZnCO3 इससे अभिक्रिया कराते हैं। तो ये बनाता है क्या ZnSO4 प्लस से बनाता है H2O plus CO2। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो बात जो कहा गया है क्या वो सही है कि गलत है, ये हमारे पास दिमाग में पूरा आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा किसका अभिक्रिया कर रहे हैं H2SO4, क्या H2SO4 का अभिक्रिया, ये है आपका अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है धातु का कार्बोनेट, क्या है धातु का कार्बोनेट, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है लवण ZnSO4 जिंक सल्फेट लवण है, H2O जल है और CO2 क्या बनाता है CO2। तो ये बात सही निकली ना कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या बनाता है लवण बनाता है, सबसे पहले क्या बना है लवण, पहले आप देख लीजिए ये है आपका अम्ल, क्या है अम्ल, ये क्या है धातु का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट, कार्बोनेट किस धातु का कार्बोनेट है बताइए, तो जिंक का कार्बोनेट है, किसका है जिंक का कार्बोनेट, जब अभिक्रिया करा किया है तो क्या बना है, ये है बना है लवण, क्या बना है लवण, और ये क्या बना है जल, और ये क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो हम देख लिए, अब एक बाइकार्बोनेट वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइकार्बोनेट से बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट में H होगा, ठीक है ना, जैसे देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं, नया एक न्यू एग्जांपल आपको दिखाते हैं जिसमें बाइकार्बोनेट होगा, जैसे देखिए Na, देखिए यहाँ पे ध्यान से Na और HCO3 किसका अभिक्रिया करना है अम्ल का ना, अम्ल एगो ले लेते हैं, अम्ल लेते हैं HCl, कौन अम्ल है बताइए, गलत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कौन अम्ल है इसका अभिक्रिया करा रहे हैं किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हम खाली हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट, सही है क्या बन गया सोडियम का, अब क्या हो गया
कार्बोनेट बाइकार्बोनेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए हमको, क्लियरली बताइए। सोडियम कार्बोनेट समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए, ये है HCl, क्या है HCl? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम बाई को लिखते हैं H, कार्बोनेट को CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट से। तो क्या बनता है बोलिए? धातु लवण बनेगा, तो लवण बनेगा तो क्या बनेगा? Na और Cl, तो क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO3। कोई दिक्कत? हाँ, CO2 बने, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 होगा, CO2। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताइए क्या है आपका? हाँ, तो इसको अम्ल कह सकते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्ल कह सकते हैं ना। चलिए इसको क्या कहेंगे? धातु का क्या? कार्बोनेट के बाई कार्बोनेट। हाँ, बाई क्यों? कोई पूछा बाई क्यों लगाया है, क्या कहिएगा? हाइड्रोजन आया था तो क्या कहते हैं बीच में? बाई। ये कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम धातु है, धातु का बाई कार्बोनेट। दिक्कत? इससे क्या बना है? लवण बना है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, नहीं सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको लवण कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड लवण होता है, लवण उदासीन पदार्थ होता है। इसके पीएच का मान 7 होता है, पढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्या है? लवण है। और क्या बना है? जल बना है। ये क्या बना है? जल। और ये क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है? कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा ना? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम लोग दो एग्जांपल देखे हैं, दोनों समझ में आ गया कि कोई भी अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करे या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो तीन चीज बनेगा, एक लवण, दूसरा जल और तीसरा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला गुण। अगला गुण क्या करा है कि जब अम्ल का अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं, झाड़ से नहीं, क्या चीज से कराते हैं? क्षार से कराते हैं। जब अम्ल का अभिक्रिया किससे कराते हैं? क्षार से कराते हैं। किसे कराते हैं? क्षार से कराते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए वो अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो फलस्वरूप क्या होता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। याद कर लीजिएगा, अम्ल का अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्षार से। किससे? कौन कौन अभिक्रिया करने जा रहा है? कौन कौन? अम्ल और क्षार। क्या? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने जा रहा है। तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा? अरे झाड़ है तो क्षार समझ लो ना, इतना तो दिमाग लगा सकते हो तुम। तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। अभी झाड़ है ना, अभी देखो तुम्हारा आंख बंद डिब्बा गायब, तो क्या हो गया? अब ये बात को, अब एक बात को याद रखना कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं ना बुआ, जब अम्ल किससे अभिक्रिया करता है? क्षार से। याद करना, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा ना तो ये जो बनेगा ना लवण और जल बनेगा। याद रख लेना, गांठ बांध लेना, दिमाग में सेट कर लेना, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। परीक्षा में न जाने कितनी मरतब ये पूछ चुका है, कि भैया उदासीनीकरण की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा? बोलो मेरे साथ, बोलो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, कौन कौन? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की
उदासीनीकरण ये देखिए उदासीनीकरण की प्रक्रिया। ओके याद रहेगा, इधर भी नौ है रे भैया, काहे ऐसा गलती हो रहा है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया याद रहेगा ना, उदासीनीकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत सारा पूछिए, आप बात आते हैं कि एग्जाम्पल कोई बता दीजिए, कोई एग्जाम्पल बताइए ना, समझ में आएगा भैया कि कौन है आम्ल कौन है क्षारक क्रिया कर रहा है। तो एगो आम्ल ले लिया है, कौन आम्ल, एच सी एल, कौन आम्ल लिया है, इसका अभिक्रिया करा रहा है किससे, क्षार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये आम्ल है और ये क्षार है, अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या होना है NaCl, क्या NaCl, लवण और जल H2O, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और क्या है, कौन कौन अभिक्रिया किया है, क्या बना है, कौन अभिक्रिया किया है, क्या बना है, इसको क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए सब एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अब बात करते हैं क्या इसका और भी गुण है, तो इसका गुण देख लेते हैं। जी नंबर गुण करा कि अम्ल जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद भी वही बनाते हैं जो क्षार से अभिक्रिया करने पर बनाते हैं, याद रखिएगा। अम्ल जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करने जा रहे हैं, धातु का ऑक्साइड याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया, कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, जैसे अब देखिए अम्ल कहां अभिक्रिया कर रहे हैं, धातु के ऑक्साइड से, हमने कहा अभिक्रिया करना है धातु के ऑक्साइड, आ गया भाई, धातु के ऑक्साइड जिंक सल्फेट, हाँ यहाँ धातु के ऑक्साइड, एक अम्ल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कौन अम्ल लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका नाम है H2SO4, कौन अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने जा रहे हैं H2SO4 का अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, किससे करा रहे जानते हैं, इसका अभिक्रिया करा है धातु के ऑक्साइड से, तो एक हम ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, क्या ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है ना, तो क्या देता है, कॉपर सल्फेट देता है, क्या देता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और साथ में देता है जल, ठीक है ना। अब ये क्या है बताइए, ये क्या है, अम्ल है, क्या है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड, तो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है और क्या बना रहा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। चलिए यह भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट कह रहा है क्या, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उष्मा उत्पन्न हो जाती है, याद रखिएगा, ऐसे मिलाइएगा नहीं, उष्मा उत्पन्न तो नहीं होगा, चाहे हो चाहे ना हो अलग बात है, चेहरा का आपका हुलिया जरूर उत्पन्न हो जाएगा, चेहरा का हुलिया जरूर बिगड़ जाएगा आपका, है ना, इसलिए अम्ल में जल को मिलाया जाता है। एक्चुअली ना ये गलती लिखा हुआ है, अम्ल में जल को मिलाना ही नहीं चाहिए, जल में अम्ल को मिलाते हैं, क्या कहते हैं, जल में किसको मिलाना है, अम्ल को, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए पेस्ट, और इसको जो है ना अम्ल को काटिए और यहाँ में कर लीजिए कट करके पेस्ट, ठीक है ना, याद रहेगा, या पहले ठीक था जल को, अरे भैया ये ठीक था पहले, ये ठीक था, अम्ल को किसे मिला रहे हैं, जल में। चलो देखो होता क्या है, अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें बारीकी से इसको समझिए, है क्या ये, पर एक एग्जांपल से समझिए इसको, थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक ग्लास है, इस ग्लास या बीकर, बीकर ग्लास नहीं यहाँ पे कहा था, बीकर है, ये क्या है, बीकर है, इस बीकर में क्या करते हैं, रखा हुआ है पानी, ओके, क्या रखा हुआ है,
पानी रखा हुआ है, सॉरी पानी रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ, पानी रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है हमको, अम्ल डालना है, तो एक बूंद डालेंगे, क्या डालेंगे, एक बूंद पानी, नहीं एक बूंद अम्ल डाले, इसमें गया एक बूंद अम्ल जब आया इसमें, तो इसको खूब चम्मच से क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे, क्या करेंगे चम्मच से मिलाएंगे इसको, क्या करेंगे खूब हिलाएंगे इसको, बढ़िया से एक बूंद मिला के फिर मिलाएंगे, फिर एक बूंद गिराएंगे फिर मिलाएंगे, फिर एक बूंद गिराएंगे फिर मिलाएंगे, तो हो जाएगा, तो ये तनुकृत अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनुकृत अम्ल। जिसे पानी नहीं मिला था उसको क्या कहते हैं, सांद्र, क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल, क्या, या सांद्रित अम्ल, क्या, सांद्रित, क्या, सांद्रित, सांद्रित अम्ल, क्या कहते हैं, सांद्रित अम्ल ऐसा होता है जिसमें पानी नहीं होता, और जब उसी पानी उस अम्ल में हल्का जाए, उसी पानी में हल्का अम्ल मिला के बनाते हैं, उस पानी वाला जो अम्ल होता है उसको क्या कहते हैं, तनु अम्ल, क्या कहते हैं, तनु अम्ल। इसका मतलब जब हम सांद्रित अम्ल को, यानी बिना पानी वाला अम्ल को, बिना पानी वाला, क्या, बिना पानी वाला, बिना पानी वाला को क्या कहते हैं, सांद्रित अम्ल, क्या कहते हैं, अब पानी वाला को क्या कहते हैं, पानी वाला को क्या कहते हैं, तनु अम्ल। जब बिना पानी वाला अम्ल को पानी वाला बनाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, हल्का हल्का पानी, पानी में हल्का हल्का बूंद गिराते हैं, किसका, अम्ल का। अगर हम अगर किसी अम्ल में ही डायरेक्ट पानी उछल देंगे ना, तो सीधे ऊपर से ब्लास्ट करेगा, काफ़ी मात्रा में उष्मा उत्पन्न हो जाएगा और ये चेहरे को पूरा जला देगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तेजाब की तरह काम करेगा, समझ में आया ना, तो इसे होता है। तो उसमें डालेंगे, याद कर लीजिएगा, किसी भी अम्ल में, किसी भी अम्ल में, कोई भी अम्ल हो, अगर उसमें पानी मिलाइएगा तो क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, यानी कि अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कराएगा, क्या कराएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उष्मा निकल रहा है, और जिसमें उष्मा निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, नो डाउट, समझ में आया ना। चलिए, तो ये अम्ल का गुण था। अब है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, नोट, जिस अम्ल को पानी की मात्रा हो उसे, जिसमें पानी की मात्रा हो उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं, और जिस अम्ल में पानी की मात्रा नहीं उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं, या सांद्रित अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल या सांद्रित अम्ल कहते हैं, क्लियर, याद रहेगा। चलिए अगला है, एक नोट क्या है कि लिटमस पत्र है क्या भाई, लिटमस पत्र क्या है, तो वैसा पत्र जो रंग के माध्यम से किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीय के गुण को प्रदर्शित करता हो, या क्षारीयता को प्रदर्शित करता हो, उसे क्या कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं। एक पत्र है जिस पे हम लोग, ये नीला कलर का अगर रहेगा, अगर इस पे हम लोग डालेंगे अम्ल तो ये क्या हो जाएगा, लाल, यानी कि नीला कलर का लिटमस पत्र है, इस पे कोई चीज डाले अगर वो लाल हो गया तो वो चीज क्या है, अम्ल है, ये चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि लिटमस पत्र तो हम समझ में आ गया, यह नीले रंग का होता है, कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है, इस पर अम्ल रखते ही इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो परीक्षा में न जाने कितनी बार ये पूछ चुका है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है, अम्ल डैश लिटमस पत्र को डैश करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, याद रखें, नीला टू लाल, याद कर लीजिएगा, ब्लू टू रेड, बी टू एल, बी एल, क्या, बी एल, ब्लू टू रेड, बी एल नहीं है ना, बी आर होगा, क्या होगा, बी आर, ब्लू टू रेड है ना, बी आर है ना, याद रखिएगा। चलिए, पहले हुआ क्या चीज, नीला, और क्या बना दे इसको, रेड, इसका काम होता है अम्ल का। अगला है, जब लाल लिटमस पत्र पर क्षार को रखते हैं, क्या रखते हैं, क्षार को रखते हैं, फिर आ गया क्षार, ये क्या होता है, जब नीले लिटमस पत्र पर क्या रखते हैं, क्षार को रखते हैं, पेस्ट, जब नीले लिटमस पत्र पर क्षार को रखते हैं तो क्या होता है, या फिर नीला से क्या हो जाएगा ना, लाल पे रखेंगे तो नीला हो जाएगा, अम्ल करता है नीला को लाल, क्षार करता है लाल को नीला, याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षार किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि ओ एच आयन देते हैं, ओ एच माइनस आयन देते हैं, क्या देते हैं,
OH माइनस आन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। मतलब पानी में अगर हम क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, तो उसमें क्या बनेगा, OH माइनस आयन, क्या बनेगा, OH माइनस आयन। तो वैसा पदार्थ जो अपने जलीय घोल में OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब बात आता है कि भैया क्षार जो होते हैं इसके कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, क्षार का गुण होता है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। अगला दूसरा नंबर गुण क्या है, यह अपने जलीय घोल में OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। यह अपने जलीय घोल में क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। अगला क्या है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगला क्या है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्षार किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से, तो क्या बनाएगा, वही वाला उदासीकरण के अम्लीय अभिक्रिया। क्या कर रहा है, क्षार, क्या कर रहा है, क्षार, क्षार किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्षार अभिक्रिया कर रहा है किससे, अम्ल से, तो क्या बनाएगा, लवण तथा, याद रहेगा, लवण तथा जल, लवण तथा जल, याद रखिएगा। तो वही उसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण के भी, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण के अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इसका क्या है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, माने प्रबल, प्रबल नहीं, प्रबल नहीं, प्रबल, क्या, प्रबल, प्रबल माने होता है मजबूत, क्या, मजबूत। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो कह रहा है वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब क्या, वैसा अम्ल जो जल में घुले, जल में डाले तो H प्लस आयन फटाफट फटाफट टूट टूट के निकलने लगा अपने आप, फटाफट फटाफट H प्लस आयन निकल जाए और पूरा H प्लस आयन जितना भी हो सब निकल जाए, उसमें सब टूट टूट के निकल जाए, तो हम कहेंगे ये अम्ल है, प्रबल अम्ल है, बहुत मजबूत अम्ल है। और जो हम लोग को डाल रहे हैं, जैसे वैसा विद्यार्थी जो क्लास में डाले कुछो बताए फटाफट फटाफट समझते चल जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रबल विद्यार्थी है, क्या है, प्रबल विद्यार्थी है। एक दुर्बल विद्यार्थी कौन होता है, जो क्लास में बैठा दीजिएगा ना, कितनों समझाइएगा तेजी से या कितनों घूर के पिलाइएगा, कितनों आसानी समझाइएगा, वो बले के बले लेखन ताकत रहेगा, वो समझ आया दुर्बल स्टूडेंट है, क्या है, दुर्बल स्टूडेंट है। तो प्रबल स्टूडेंट समझ में आ गया, प्रबल स्टूडेंट क्या है, जो फटाफट फटाफट समझता रहे, और जो दुर्बल स्टूडेंट क्या होता है, जो कुछ समझाइए बहुत समझेगा अपने स्पीड, धीरे धीरे समझेगा, थोड़ा थोड़ा समझेगा, समझाइएगा 10 को समझेगा 2 को, उसको कहते हैं दुर्बल स्टूडेंट। तो उसी प्रकार से प्रबल अम्ल कौन है, जिसको जल में डाले फटाफट फटाफट H प्लस आयन दे उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। और जो धीरे धीरे अम्ल देता हो, धीरे धीरे H प्लस आयन देता हो, जो धीरे धीरे H प्लस आयन देता हो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। उसका कौन है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है ना, इसमें 3 को छोटा कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वैसा अम्ल जो अपने जलीय घोल में पूरी तरह से आयनित नहीं हो या धीरे धीरे आयनित हो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल, क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल, जैसे H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, उसका क्या है, बेरिक अम्ल H3BO3। यहाँ पे आप जो 3 देख रहे हैं, ये 3 इसको छोटा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, छोटा, छोटा करने आता है ना, उसको बहुत छोटा कर लीजिएगा, चले गया, हो गया, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग प्रबल क्षार किसे कहते हैं, वैसा क्षार जो अपने जलीय विलयन में काफी OH माइनस आयन देता हो, क्या देता हो, काफी जल्दी जल्दी OH माइनस आयन देता हो उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOOH, ये सब क्या है, प्रबल क्षार है। जब इसको जल में घुलाइएगा ना तो हाली हाली OH माइनस आयन देगा, क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। और जो पूरी तरह से नहीं घुले उसको कहते हैं दुर्बल क्षार। वैसा क्षार जो अपने जलीय घोल में आंशिक रूप से, आंशिक माने के थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में आयनित होता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4COH,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू, ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है ना, याद रखिएगा। तो आपको दिमाग में सेट सीधा कर लिए, आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, अम्ल क्या देता है बुआ, अक्षार क्या देता है, तो जल्दी जल्दी जो H प्लस आयन देता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल, क्या कहते हैं, आज जो जल्दी जल्दी H प्लस आयन नहीं देता हो क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल, आज जो जल्दी जल्दी OH माइनस आयन देता है उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षार, आज जो जल्दी जल्दी H प्लस आयन नहीं देता हो OH माइनस आयन नहीं देता उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार, समझ में आ गया, एकदम दिमाग में सीधा कर लेना है। या ऐसे भी कह सकते हैं जो पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन दे उसे कहते हैं प्रबल अम्ल, आ जो आंशिक रूप से देता हो H प्लस आयन उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, आ जो पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन देता है उसे कहते हैं प्रबल क्षार, आ जो आंशिक रूप से आयनित होकर वो OH माइनस देता है उसे कहते हैं दुर्बल क्षार, याद रखिएगा इतना।